एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में भूकंप से भारी नुकसान की खबर मिल रही है। नेपाल में भूकंप से अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है और 140 से ज्यादा लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो इस भूकंप के बाद जख्मी हुए हैं। नेपाल के जाजरकोट रुकुम जिले में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लोगों के घर यहाँ पर तबाह हो चुके हैं। जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं वो भी दिल को झकझोर देने वाली हैं। नेपाल में जो भूकंप आया उसका असर हालांकि यहाँ पर भी देखने को मिला, लेकिन जो केंद्र रहा भूकंप का वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नेपाल जो खास तौर पर दो ऐसी जगह वहां पर बताई जा रही है जहां पर नुकसान हुआ है, और नुकसान ऐसा कि लोगों के घर वहां पर तबाह हो गए, और इसका नतीजा ये रहा कि इस भूकंप में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है, 140 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बुरी तरीके से जख्मी है। देखिए जो मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं वो भी है कि नेपाल में भूकंप आया लेकिन उसका असर कैसे दिल्ली में भी देखने को मिला, दिल्ली एनसीआर में न सिर्फ बल्कि उत्तर प्रदेश में भी भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए। और नेपाल पुलिस के प्रवक्ता कुबेर जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही है क्योंकि बहुत भारी नुकसान हुआ है, इस वक्त स्थिति वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? वहाँ पर अभी रेस्क्यू के काम जारी है, एपीएफ आर्मी पुलिस ऑफिसर रेस्क्यू कर रहे हैं दो जिले में। तो आपने बताया वो कैजुअल्टी तो वही है, जाजरकोट में 92 की मृत्यु हुई है, 55 तक आए थे है अभी। रुकुम पश्चिम में 37 लोग की मृत्यु हुई है, तो 85 घायती है जो रेस्क्यू हो रहा है। और मेडिकल टीम फ्रॉम नेपाल पुलिस एपीएफ एंड मिलिट्री दे हैव ऑलरेडी मूव टू द बोथ एरिया एंड रेस्क्यू इज गोइंग ऑन। कुबेर जी, रेस्क्यू ऑपरेशन की आपने बात कही, जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, क्या ऐसी भी खबर है कि कई लोग अभी भी वहां पर दबे हो सकते हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही हो? यस, बहुत लोग हो सकते हैं क्योंकि दूर तरह जो बहुत डिस्टेंस में है, those houses who are collapsed, they are very far from the city area. It takes more than 3-4 hours to reach over there. The police and other security agency and local pupils are moving over there. It takes time. बिल्कुल कुबेर जी, तो जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो भी बहुत खतरनाक है। आपने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी के साथ चल रहा है, जो इस वक्त लोग जख्मी हैं, जो घायल हुए हैं, उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी आप दे पाएंगे? हाँ, वो जो घायल लोग हैं उनको सुरखेत और नेपालगंज रेस्क्यू हो रहा है, हेलीकॉप्टर से चोपर से रेस्क्यू हो रही है अभी। और कौन से और ऐसी जगह है जहां पर भारी नुकसान हुआ है, जहां पर क्योंकि घर के घर यहां पर तबाह हो गए, जाजरकोट और रुकुम जिले में तो हम देख ही रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कोई जगह है जहां पर नुकसान हुआ है भूकंप से? इसके अलावा और जिला में भी छोटे मोटे डैमेज है बिल्डिंग में, लेकिन वो बड़ा नहीं है, इतना ज्यादा डैमेज नहीं है। रेस्क्यू जहां पर चल रहा है क्या उनसे कोई बात हो पाई हो या जानकारी मिल पाई हो कि क्या लग रहा है, कितना समय लगेगा? नहीं, ये तो समय लगेगा क्योंकि बहुत दूर तक है, छोटा छोटा गांव है, दूर में है, वो दूर दराज में है, तो जाने में भी टाइम लगेगा। ये तो लगेगा, एक दो दिन और लगेगा। ठीक है, एक दो दिन अभी लग सकता है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द वहां पर जो नुकसान हुआ है उसको, जो घायल लोग हैं वो भी ठीक हो जाएं, और जो दबे हुए हैं जैसा आपने बताया उनको भी जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। बहुत शुक्रिया कुबेर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को इस वक्त नेपाल की स्थिति क्या है वो बताने के लिए।